आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है 200 फेरो वाली एक कुंडली का पृष्ठीय क्षेत्रफल 0.15 मीटर स्क्वायर है। कुंडली पर लंबवत लगाया गया है। एक चुंबकीय क्षेत्र 0.4 सेकंड में 0.2 टेस्ला से 0.6 टेस्ला में बदल जाता है, तब प्रेरित विद्युत वाहक बल वोल्ट में है। ऑप्शन ए है 45, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 60। तो हमें प्रश्न में एक कुंडली दिया गया है जिसमें फेरों की संख्या कितनी है। कुंडली में फेरों की संख्या यह दी गई है हमें 200 फेरे, ठीक है। तथा कुंडली का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है, ए का वैल्यू दिया गया है, यह है 0.15 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तथा हमें बोला गया है कि कुंडली पर लंबवत लगाया गया है, किसको, चुंबकीय क्षेत्र को, ठीक है, जो 0.4 सेकंड में 0.2 टेस्ला से 0.6 टेस्ला में बदल जाता है। तब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है -dΦ/dt, जहां फाई क्या होता है, ये होता है फ्लक्स। तथा हम जानते हैं कि फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, ये होता है NbA। तो यहां से हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -d/dt और फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा NbA, ठीक है। तो यहां से N और A क्या है, कांस्टेंट है, तो ये आ जाएंगे बाहर। तो यहां से प्रेरित विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू हो जाएगा -N into A और ये हो जाएगा dB/dt, ठीक है। जहां dB क्या है, dB यह है चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन। तो यहां से हमें बोला गया है कि चुंबकीय क्षेत्र 0.4 सेकंड में 0.2 टेस्ला से 0.6 टेस्ला में बदल जाता है। तो यहां से चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन dB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.6 माइनस से हो जाएगा 0.2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.4 टेस्ला, ठीक है। तथा इसको परिवर्तित होने में कितना समय लगा, यह लगा 0.4 सेकंड, ठीक है। तो यहां से प्रेरित विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू हो जाएगा -N का वैल्यू कितना है, यह है 200 फेरे, तो हो जाएगा 200 इंटू A का वैल्यू है 0.15 इंटू, यह हो जाएगा dB का वैल्यू है 0.4 बटे dt का वैल्यू है 0.4, ठीक है। तो यहां से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहां से प्रेरित विद्युत वाहक बल E का वैल्यू यह आएगा माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से इसका परिमाण ले लेंगे, तो यहाँ से प्रेरित विद्युत वाहक बल ये हो जाएगा 30 वोल्ट। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर जो हमें प्रश्न में पूछा गया था। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 वोल्ट। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।